हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीरज। मैंने CLC ज्वाइन की थी लास्ट ईयर और इस साल मेरा जो नीट का स्कोर है वो 621 है। और CLC एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि हमें ओवरऑल करिकुलम डेवलपमेंट भी कराता है। और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास एक ही चीज़ कहने को है कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रॉस द ओशियन, यू फर्स्ट हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ सोर। आप अगर कंटिन्यूस मेहनत करते रहोगे तो ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप ये ऐसा गेम नहीं है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लो और आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है, आप कंटिन्यूस पढ़ो और पूरे साल पढ़ो, यू विल गेट नो ट्रबल एंड नीट इज़ सो फार ईजी इफ़ यू विल फॉलो द CLC। थैंक यू वेरी मच CLC। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरुष गुप्ता एंड मैं नीट का 3rd टाइम ड्रॉपर हूँ। इससे पहले मैं 2 साल कोटा में रह के आ चुका हूँ, बट एट उनने मेरे को लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 540 मार्क्स आए थे मेरे। मैंने इन 3 सालों में ये चीज़ एनालाइज़ करी है कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल का कोर्स देखते हैं कि स्टार्टिंग में 6 महीने कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है एंड टेस्ट कितने ज़्यादा होते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि लास्ट का जो टाइम होता है, जो हीट पीरियड होता है लास्ट का, जो 6 मंथ्स होते हैं, उसमें कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ट रन करती है। और वो चीज़ मैंने 3 साल में एनालाइज़ करी है उस चीज़ पे, और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट CLC है उसमें, बिकॉज वो लास्ट टाइम पे जो 3 महीने रहते हैं, जो हीट पीरियड होता है बच्चों का, उसमें वो डायमंड टेस्ट सीरीज़ लाते हैं एंड काफ़ी सारे अलग कैम बायो हो गया, वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर करा देते हैं बच्चों को लास्ट टाइम में, जो चीज़ें हर कोई भी बच्चा होता है वो नहीं देखता उस चीज़ को। मैं केवल ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ इसमें, फ्रेशर की नहीं कर रहा, जो फाउंडेशन वगैरह। ड्रॉपर एक वो बच्चा जिसने पूरे बार एक बार तो सिलेबस पढ़ चुका है 1-2 बार, तो वो उसके लिए एक तो सर के ऊपर उसके प्रेशर रहता है, साथ में उसका एक नीट क्रैक करने का भी रहता है कि हाँ पेरेंट्स क्या सोचेंगे वगैरह। तो इसीलिए CLC इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। इनिशियल तो सारी कोचिंग सेम चलती है, शुरू के 6 महीने पूरे इंडिया की सारी कोचिंग सेम चलती है, जो लास्ट के 6 मंथ जो रन करती है ना इंस्टीट्यूट, उस पर देखो काम करो। और वो मैंने एनालाइज करा और वो उसमें सबसे बेस्ट CLC रहा है, बिकॉज वो सारे टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, और बॉस खुद एक एक बच्चे को देख देख के एनालाइज करते हैं, उनके मार्क्स क्या होते हैं, एवरेज स्कोर क्या चलता है, और उससे काफ़ी अच्छा स्कोर बिल्डअप होता है। थैंक यू सो मच, जय CLC। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौम्य यादव फ्रॉम जयपुर। मैंने CLC ज्वाइन करी थी 2022 में, और उस वक्त मेरा नीट 2022 का स्कोर था 550, और उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए, लेकिन हमारे रेस्पेक्टेड बॉस ने मुझे मना करा था कि नहीं आप मत कराओ भी, और 1 साल और तैयारी करो। मैंने वो तैयारी करी, उनके सारे मार्गदर्शनों पे मैं चला हूँ, और लगातार मैंने लगभग 7 महीने सीकर के अंदर CLC के हॉस्टल में रहा, और वहाँ पर मैंने एक अच्छी तरह लगन से और जैसे बॉस ने बताया मैंने वैसे स्टडी करी डिसिप्लिन के साथ, नाइट कैंप भी ज्वाइन करे थे, और साथ ही साथ मतलब एक ये फैक्ट रहा कि हाँ यहाँ के टेस्ट जो थे वो बहुत मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उनकी जो क्वालिटी है, क्वेश्चन क्वालिटी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उससे बेस्ट क्लियर हो रहा था वहाँ पे, तो बहुत एक कह सकते हैं बहुत अच्छा वहाँ पे उन्होंने बेस्ट दिया हमें एक। और उसके बाद के मैं जो दंगल वगैरह हुए, डायमंड टेस्ट सीरीज हुई, उससे हमारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस ये डेवलप किया था बॉस ने। और साथ ही साथ के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं तो हम सबको लगता है कि हम डिमोटिव हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। ये फैक्ट्री यहाँ CLC में ऐसा है कि बॉस हर स्टूडेंट से कॉन्वर्जेशन करते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद में हम उनसे लगते हैं कि भाई हाँ हमें अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और हमें हमारा कॉन्फिडेंस मिल जाता है वहाँ पे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि धन्यवाद CLC, आपने मुझे 615 स्कोर पे लिया और लाया था। थैंक यू CLC।